गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ टेक्निकल एरर था, उसकी वजह से 5-7 मिनट में लेट हो गई। एनीवे, आवाज आ रही है आप लोगों को, ये बता दीजिए फटाफट। आज आपातकाल को हम खत्म कर देंगे, आपातकालीन जो भी प्रोविजंस हैं उन सबको खत्म करके हम एमसीक्यू करेंगे आपातकाल के, ठीक है? तो एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट, इसको हाँ जी, ऐड की आवाज तो आ रही है भाई, फटाफट बता दो। अफजल, सोनम, अंकित, प्रार्थना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है ना? ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका ललिता दहिया एकेडमी में। फटाफट स्पेक्ट्रम की शुरुआत होने वाली है भाई यूट्यूब पे, मैं आपको पहले ही बता दूं। स्पेक्ट्रम पहली क्लास हमारी होगी 16 तारीख को। हम इस तरीके से चलेंगे कि लगभग 3 दिन स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री और 3 दिन पॉलिटी, तो एक बैलेंस बना के चलेंगे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में। साथ ही साथ आपकी कुछ मैं मेन्स आंसर राइटिंग की क्लासेस लूंगी यूट्यूब के ऊपर, लाइव क्लासेस चलेंगी और टॉपर्स इंटरव्यूज चलते रहेंगे। इस संडे को हम लेके आने वाले हैं अवनीश सरन सर, बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर है। 10th में उनकी 3rd डिवीजन थी, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने सपना देखा और उसको पूरा किया, और आज वो बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, तो हम उनका इंटरव्यू लेके आने वाले हैं संडे को। इसके अलावा दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों फटाफट अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को। ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसे साइन अप कर लीजिए। और यहाँ पे दो बैच चल रहे हैं दोस्तों, एक पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2023-24 और 25 तक के स्टूडेंट्स के लिए मात्र 2100 रुपए में। याद रखिएगा, कंप्लीट पॉलिटी का कवरेज विद करंट अफेयर्स विद आंसर राइटिंग मात्र 2100 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट समझाने का तरीका। तो आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी ऐप के इस कोर्स में। आप ये कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं मात्र 1625 रुपए में। कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस विद आंसर राइटिंग विद करंट अफेयर्स, तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच में भी मेरे साथ। इसके अलावा इतिहास वैकल्पिक विषय यदि आप लोगों का है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो भी आप ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे जाके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, 22 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी मात्र 8000। मार्केट में यदि आप दिल्ली वगैरह में देखोगे तो आपको लगभग 40,000 से स्टार्टिंग होती है ऑप्शनल की, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 8000 रुपए में कंप्लीट ऑप्शनल कवर कराया जाएगा। लगभग 6 से 7 महीने का कोर्स होगा ये ऑप्शनल वाला, जिसमें आपको एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड चारों पेपर बहुत ही शानदार तरीके से विद आंसर राइटिंग कराए जाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच में मेरे साथ ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर देना क्लास के बाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है? तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय मतलब आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधानों में हमने बेसिकली आपातकालीन प्रावधानों में हमने 352 पूरा कर लिया था। 352 के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये पूरा कर लिया था। कल हमने राष्ट्रपति शासन यानी 356 और 365 कर लिया था, और इसको कैसे लागू किया जाएगा, कितने महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, क्या क्या प्रभाव इसके पड़ेंगे, वो पूरा हमने देखा। उसके बाद सरकारी आयोग, संविधान समीक्षा आयोग ने क्या कहा, पुंछी आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिया, एसआर बुम्बई वाद में 356 को लेके क्या कहा, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सरकारी आयोग के ऊपर 2020 या 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो 356 से रिलेटेड ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने बूटा सिंह वाद देखा था, और 356 का प्रयोग को लेके हमने देखा कि भाई
वर्तमान तक लगभग 120 से ज्यादा बार 356 का प्रयोग हो चुका है, वर्ष में लगभग 2 बार इसका प्रयोग होता है, और कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक हितों या राजनीतिक स्वार्थों के चलते 356 का प्रयोग हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं संघात्मक ढांचे के प्रतिकूल है। इसलिए चाहे सरकारी आयोग है, चाहे संविधान समीक्षा आयोग 2002 है, पुंछी आयोग है, इन सब आयोगों के माध्यम से ये रिकमेंडेशन दी गई है, सुझाव दिया गया कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पे किया जाए। ये नहीं है कि मतलब अच्छा कुछ भी हो रहा है लगा दो 356, तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं संघात्मक ढांचे के प्रतिकूल है, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, होप आप लोग रिवाइज करते होंगे जाने के बाद, आज आप लोगों को इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे। फटाफट बता दो भाई, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख के भेज दो एक बार। अब ठीक है यार अफजल, अब तबीयत बढ़िया है, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी वीकनेस तो रहती है, फीवर से आप उठते हो ना तो फीवर भले ही चला जाए लेकिन 2-4 दिन क्या होता है बॉडी रिकवर करने में टाइम लगता है ना। क्लियर है ना, बिल्कुल ऑल क्लियर, ठीक है। सुमित, प्रियंका, ठीक है, शेर अल फातिमा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के बीच में। ये है राष्ट्रीय आपात यानी 352, ये है राष्ट्रपति शासन यानी 356 और 365। पहली बात, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत के या किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा संकट में हो। भाई राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा? 3 आधारों पे लगाया जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में। दूसरा, राष्ट्रपति शासन संवैधानिक, जब किसी राज्य में जो शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में, या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। यानी दोनों के लगने के आधार अलग अलग हैं। 352 3 आधार पे लगेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पे लगेगा, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए 356, और जब राज्य केंद्र के कार्यकारी या संवैधानिक निर्देशों को मानने से मना कर दे आर्टिकल 365। दोनों के लगने के आधार अलग अलग है। अगला, आपातकाल की उद्घोषणा की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका कार्यरत रहती हैं, यानी ना तो मंत्री परिषद का विघटन होता है और ना ही विधायिका का निलंबन होता है या विघटन होता है। कार्यपालिका भी बनी रहती है, विधायिका भी बनी रहती है, और अपनी शक्तियां उसी प्रकार बनाए रखती है। केंद्र सरकार को राज्य में विधायन और प्रशासन की समवर्ती शक्तियां प्राप्त हो जाती है, वो अलग बात है कि भाई केंद्र सरकार को विधायी इत्यादि शक्तियां मिल जाती है 352 की कंडीशन में, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका बनी रहेगी। इसके पीछे एक लॉजिक है, रटना नहीं है चीजों को, हमको लॉजिकल याद रखना। एक बात बताओ, देश के सामने छिड़ा हुआ है संकट, युद्ध की कंडीशन में है, और यदि ये प्रोविजन होता कि भाई राज्य की विधानसभा को भी हटा दो और मंत्रिपरिषद को यानी कार्यपालिका को भी हटा दो, तब तो राज्य से भी विरोध हो सकता था। या फिर ऐसी कंडीशन में राज्य का प्रशासन कौन चलाता? केंद्र के ऊपर तो ऑलरेडी दबाव है ना भाई, उसे तो युद्ध से डील करना है, बाह्य आक्रमण से डील करना है, सशस्त्र विद्रोह से डील करना है ना। तो याद रखिएगा 352 की कंडीशन में केंद्र के पास ऑलरेडी इतने सारे काम है, तो फिर राज्य की कार्यपालिका और विधायिका को केंद्र निलंबित नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा, लॉजिकली इंटरलिंक्ड करना है चीजों को, है ना। तो याद रखना है उनकी शक्तियां बनी रहती हैं, वो बात अलग है कि केंद्र सरकार राज्य में विधायन और प्रशासन की समवर्ती शक्तियां केंद्र सरकार को भी प्राप्त हो जाती है, यानी नियंत्रण केंद्र सरकार को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में विधान मंडल निलंबित हो जाता है, हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है विधायिका निलंबित होगी, लेकिन राज्यपाल की शक्ति, सॉरी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है, अंशतः या पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आपको पता है जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा मंत्रिपरिषद निपट जाएगी। क्यों निपटेगी मंत्रिपरिषद? ध्यान से देखिए इस मंत्रिपरिषद को, ये वही मंत्रिपरिषद है जिसने संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया। इसलिए जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, लगने का आधार ही ये है कि भाई आपने देखो संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया, इसलिए आपका जाना तय है। यानी जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा
वैसे ही मंत्री परिषद तो निपट जाएगी, है ना। विधायिका निपटेगी कि नहीं ये राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है। निलंबन होना जरूरी नहीं होता है विधायिका का, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। और यदि निलंबन करना भी है तो SR बुम्बई बाद में भी ये डिसीजन दिया गया है कि भाई जो 2 महीने के अंदर अनुमोदन का समय है ना, संसद के अनुमोदन के बाद विधायिका का निलंबन होना चाहिए, पहले नहीं। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। अगला डिफरेंस है राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल राइट पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सीधा सीधा फंडामेंटल राइट पे प्रभाव पड़ता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, जबकि राष्ट्रपति शासन में किसी भी प्रकार के मूल अधिकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पे संसद विधान बना सकती है, राज्य सूची के किसी भी विषय के ऊपर संसद कानून बना सकती है राष्ट्रीय आपातकाल में, क्योंकि ये जो विधान वगैरह की शक्ति है ये केंद्र के पास चली जाती है। और ये कहा जाता है कि आपातकाल जो प्रावधान है, आपातकालीन जो प्रावधान है, वो संघात्मक व्यवस्था को बिना किसी संशोधन के एकात्मक व्यवस्था में ट्रांसफर कर देते हैं, और केंद्र सशक्त हो जाता है राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने के लिए। क्लियर है। अगला, राष्ट्रपति शासन में संसद राज्य की विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल में जो विधि बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी राज्य सूची के विषय पर, लेकिन राष्ट्रपति शासन में संसद विधि नहीं बनाएगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको ये छोटे छोटे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वहां पे, अभी मैं MCQ पे आने वाली हूँ, है ना। तो राष्ट्रपति शासन में संसद विधि नहीं बनाती, बल्कि संसद सशक्त करती है विधि बनाने के लिए, या तो राष्ट्रपति को सशक्त करती है या फिर किसी अन्य प्राधिकारी को सशक्त करती है। ये डिफरेंसेस याद रहेंगे, मुझे एक बार बता दो फटाफट, मैं एक बार रिवाइज भी कराऊंगी, टेंशन मत लेना। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के अनुमोदन के अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है हर 6 महीने में बढ़ाया जाएगा, एक बार ही नहीं है कि एक ही बार लगा दो 8 साल के लिए, ना, आपको हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी और अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने साल के लिए, 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। दैट्स इट, 3 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग ही नहीं सकता। अगला डिफरेंस समझ में आया, राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है हर 6 महीने में, जबकि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगली बात, आपको पता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 1 महीने के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति शासन 2 महीने के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, और ये केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि इस केंद्र से कितना फंड जाएगा, कितना अनुदान वगैरह जाएगा, ये पूरा कंट्रोल हो सकता है, कम भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में ना सामान्यतः वित्तीय संबंध प्रभावित नहीं होते, केंद्र के द्वारा जो फंड वगैरह दिए जाते हैं, जो अनुदान वगैरह दिए जाते हैं, वो रेगुलर चलते रहते हैं, वित्तीय संबंधों पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति शासन का। तो मुझे एक बार ये बता दो, क्या बोल रहे हो? अच्छा बच्चा, मैक्सिमम 1 मंथ, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम 1 महीना रहेगा बिना संसद के अनुमोदन के। यानी वही सारी चीजें हैं कि भाई ये 3 आधारों पे लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये 2 आधारों पे जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और जब राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से मना कर दे, इसमें कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां बनी रहती हैं, मतलब वो जिंदा रहती है, निलंबित नहीं होती है, इसमें निलंबित हो सकती है, मंत्रिपरिषद तो तुरंत विघटित हो जाती है और विधायिका भी निलंबित हो सकती है, है ना। इसमें फंडामेंटल राइट पे प्रभाव पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है, इसमें राज्य सूची के किसी विषय पे संसद कानून बना सकती है, इसमें संसद राष्ट्रपति को या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है, ये हर 6 महीने में अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसे अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 महीने के अंदर अनुमोदन, 2 महीने के अंदर अनुमोदन, इसका अनुमोदन विशेष बहुमत से, इसका अनुमोदन साधारण बहुमत से, इसमें वित्तीय संबंध प्रभावित होते हैं, इसमें वित्तीय संबंध सामान्यतः प्रभावित नहीं होते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, आर्टिकल 352, 365, 355, 356, 365,
क्या क्या प्रभाव है, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सब कुछ क्लियर हुआ। कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ लो, कोई भी डाउट है तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सुमित? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आपको पता, क्योंकि 360 बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के आधार पे। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 360 की। ये क्या है भाई 360? राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या साख खतरे में है। यानी जब पूरे भारत की या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय साख, यानी फाइनेंशियली लगे कि भाई अब काम नहीं चलेगा, खतरे में हो, तो आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। इस वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के दो आधार होते हैं। क्या आधार होता है? पहली बात तो भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या प्रत्यय खतरे में हो, यानी या तो पूरे भारत या इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो खतरे में हो, है ना। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की जो संतुष्टि अंतिम और निर्णायक होती है, 38वें संशोधन द्वारा ये प्रोविजन कर दिया गया कि भाई राष्ट्रपति जो भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे ना, जिन जिन आधारों पे करेंगे, वो अंतिम होगी, निर्णायक होगी और किसी भी न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगी। यानी किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा कि भाई आपने क्यों लगाया, किन आधारों पे लगाया। ये प्रोविजन कर दिया गया 38वें संविधान संशोधन के द्वारा, परंतु 44वें संशोधन के द्वारा इसमें चेंजेस किए गए और इस प्रावधान को समाप्त करके कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि असीमित नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का जो आधार है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यहां पे बात समझ में आई? यानी यदि आपसे पूछे कि भाई 360 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या, तो आप कहोगे कि बिल्कुल हो सकती है। 38वें संशोधन द्वारा भले ही ये प्रोविजन किया गया था कि नहीं हो सकती न्यायिक समीक्षा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई 360 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कि उसको लगाने का आधार, यानी वित्तीय आपातकाल को लगाने का आधार सही है कि गलत है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा की तिथि के 2 महीने के भीतर, यह आपको पता होना चाहिए, जैसे ही वित्तीय आपातकाल लगा, राष्ट्रपति ने लगा दिया, तो 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। और कैसे अनुमोदन होना चाहिए? साधारण बहुमत के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, क्योंकि एग्जाम हॉल में यहीं पे कंफ्यूजन होता है। एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, मैक्सिमम बच्चों को बता भी होगा। देखो, 1 कैसे याद करेंगे, 1 + 2 + 2, इसका क्या मतलब है जी? ये क्या है, 1, 2, 2, 122 याद रख सकते हो, या 1 + 2 + 2 याद रख सकते हो। क्या मतलब है? देखो, इसको रखो 352, इसको रखो 356 और इसको रखो 360, यानी 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। यानी 352 को 1 महीने के अंदर अनुमोदित करना होगा संसद के द्वारा, और 356 को 2 महीने के अंदर अनुमोदित करना होगा, 360 को भी 2 महीने के अंदर अनुमोदित करना होगा। यानी इस फॉर्मूले से आप, पता है एग्जाम अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, एग्जाम हॉल में बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, 2 महीने थे कि 1 महीना था, इसमें 2 था कि 1 था। तो सिंपल एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो, 1 + 2 + 2, यानी 352 1 महीने के अंदर, 356 2 और 360 भी 2। अब दूसरा फॉर्मूला आपको इसमें एक याद रखना है, क्या ये है? विशेष, यहां पे लिखोगे विशेष, ये है साधारण और ये भी है साधारण। यानी 352 को जब अनुमोदित करेगी संसद, तो विशेष बहुमत के द्वारा करेगी, 356 को साधारण और 360 को भी साधारण। तो अब इस बात में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कितना बहुमत कितना समय, याद रहेगा, एक बार थम्सअप दे दो, 1 + 2 + 2 यानी 1, 2, 2 और
विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और साधारण बहुमत। क्लियर है भाई? बता दो फटाफट। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। वैसे बड़ा शरीफ बच्चा है बेचारा, है ना? बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा है संजीव, है? लड़कियों को भी हैप्पी रक्षाबंधन कह रहा है। आजकल कहां मिलते हैं ऐसे लड़के, हैं? रक्षाबंधन के नाम से दूर भागते हैं लड़के। मतलब जब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह होते हैं ना रक्षाबंधन वाले दिन, लड़के बेचारे बंक करते हैं क्लास। क्या पता वही जिसे पिछले एक महीने से देखता आया हूं, है, राखी लेके इंतजार कर रही होगी मेरा, है ना, कि आइए भैया राखी बंधवा लीजिए। तो इसलिए रक्षाबंधन के दिन से टलते हैं, और विशेषकर लड़के बड़े ज्यादा टलते हैं, है ना। अरे ठीक है, जरूरी थोड़ी ना सब भाई बहन, दोस्त भी तो हो सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, समझ में आ गया? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, घर से ही नहीं निकलते, बिल्कुल सही। देखो सुमित एकदम सही ट्रैक पे है। ज्यादा शरीफ लोगों से भी थोड़ा, बिल्कुल सही बात है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं भागता हूँ मैम। नहीं भाई, भागना चाहिए। टीएच क्या कह रहा है, अगर उसका नाम राखी हो तो राखी बंधन दे। क्या बात है, ठीक है। मतलब सबका अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है सबसे राखी बंधवाए यार। मतलब ठीक है, सबको बहन बनाना जरूरी थोड़ी ना है। सबको अपने बहन भाइयों की नजरों से देखें, काहे देखें बहन भाइयों की नजरों से? हम 21वीं जनरेशन के बच्चे हैं, तो दोस्त की नजर से भी तो देख सकते हैं। आप गलत ही क्यों सोच रहे हो, दोस्त की नजर से भी देख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। हाँ मतलब ईमानदारी की नजर से देखें, है ना। हैप्पी रक्षाबंधन संजीव, ऋतिक, इकबाल, चले ये वो लड़के हैं जो सबको मतलब बंधन, रक्षाबंधन की बधाई दे रहे थे। एनीवे ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, 1+2+2। अब ये मैं आपको बताई चुकी हूँ कि 2 महीने के भीतर संसद के साधारण बहुमत के द्वारा इसकी स्वीकृति मिलना जरूरी है, ठीक है। अब यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 महीने के भीतर, ये वही वाला रूल है जो 352 में भी था, 356 में भी था, आगे 360 में भी आ गया। मान लो यदि लोकसभा विघटित हो और 2 महीने के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक प्रभावित रहेगी। यानी इस, देखो दो सदन है हमारे, लोकसभा है राज्यसभा है, ये बोल रहा है यदि ये लोकसभा है ही नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस राज्यसभा को स्वीकृति देनी पड़ेगी। यानी राज्यसभा से स्वीकृति मिलनी जरूरी होती है, और जब ये लोकसभा अस्तित्व में आ जाएगी तो 30 दिन के अंदर स्वीकृति देनी पड़ेगी। यहां से पीटी में बहुत मतलब ऐसे डीप क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि ये प्रोविजन 352 में भी किया है, 356 में भी किया है, 360 में भी किया है, ठीक है। अगली बात, एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना ले लिया जाए। ध्यान रखना, अनिश्चित काल के लिए, यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति शासन में समय सीमा कितनी है, 3 वर्ष है, आपको पता है राष्ट्रपति शासन में 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष लग सकता है। और हर ऐसे ही आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भी अनिश्चित समय के लिए है, लेकिन उसे हर 6 महीने में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक बार लगा दो और बस, लग गया वित्तीय आपातकाल, अनिश्चित काल के लिए लगा रह सकता है जब तक कि उसे वापस ना ले लिया जाए। इसे हर बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हम 352 को करते थे और 356 को करते थे, बुझे। जैसे आगे इसको पॉइंट में बता रहा है, एक तो इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि भाई कितने समय के लिए लगेगा मैक्सिमम, ये डिसाइड नहीं किया गया कि भाई 5 साल 8 साल 10 साल, अनंत समय, जितनी जरूरत है उतने समय के लिए लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी जरूरी नहीं होती है। जैसे आप राष्ट्रीय आपातकाल में हर 6 महीने के बाद रिन्यू करते हो कि भाई हर 6 महीने के बाद फिर से अनुमोदन होगा, है ना, यहाँ पे एक बार लगा दिया और लगा रहेगा। अगला, इसे सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। फॉर्मूला 1+2+2, विशेष, साधारण, साधारण, बिल्कुल साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय अनुवर्ती, मतलब एक दूसरी घोषणा के द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा किसी संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। यानी वित्तीय आपातकाल उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिंपल सी बात है। संसद
राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, संसद 2 महीने के अंदर अनुमोदन दे दे, उसके बाद ये लगा रहेगा कितने भी समय तक जब तक कि राष्ट्रपति से वापस ना ले ले। और इसके लिए बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, कि बार बार अनुमोदन करने की जरूरत नहीं है, और इसे साधारण बहुमत द्वारा संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और राष्ट्रपति जो घोषणा के द्वारा इसे वापस लेते हैं उस घोषणा के लिए किसी भी संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? ऋतिक 360 के तहत वित्तीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसे राज्यसभा की स्वीकृति मिलने पर लगाया जाता है। जरूरी नहीं है राज्यसभा की स्वीकृति, यदि दोनों सदन सत्ता में है, मतलब यदि दोनों सदन है, लोकसभा विघटित नहीं है, तो फिर दोनों सदनों का अनुमोदन मिलना जरूरी है 60 दिन के अंदर। यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा अनुमोदन दे दे, और जब लोकसभा आएगी तो 30 दिन के अंदर अनुमोदन दे दे, है ना? तो ये वाली कंडीशन याद रखनी है, ठीक है अजीत? ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इसके प्रभाव क्या होंगे भाई, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे। यहां से आईएएस में क्वेश्चन बना है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सा है। पहली बात तो वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि भाई आपको इन मदों में कटौती करनी है, मतलब अलग अलग वित्तीय निर्देशों के लिए राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। राज्य सहित केंद्र के अधीन सेवारत किसी भी वर्ग के व्यक्तियों, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम करने के भी निर्देश दे सकते हैं। यानी केंद्रीय सेवाओं में जो है, राज्य की सेवाओं में जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके वेतन भत्तों में कटौती करने के निर्देश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन और वित्तीय विधेयकों को वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। यानी राज्य विधानमंडल जो भी वित्त विधेयक पारित करते हैं उनको वित्तीय आपातकाल के दौरान रिजर्व रखा जाता है, रखा जा सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। ये पॉइंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन चुका है पीटी में, अभी मैं दिखाऊंगी 2018 या 19 में क्वेश्चन बना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पीटी लिख लेना कि जितने भी राज्य के विधानमंडल के वित्तीय विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, ध्यान रखना, एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भले ही 1990-91 के आसपास हमने एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मतलब लगभग 6-7 दिन की खरीदारी के लिए ही बच गया था, उसके बावजूद वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है। तो प्रभाव देख लिया, इस पे केंद्र राज्य संबंधों पे बहुत जबरदस्त वाला प्रभाव नहीं पड़ता, बस वित्तीय के संदर्भ में कि भाई कोई वित्तीय विधेयक या धन विधेयक है तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो सकता है, राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं वित्तीय कुछ मार्गदर्शन का पालन करने के लिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य जो केंद्रीय और राज्य अधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। एक बार भी नहीं लगा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का यहां तक, देखो भाई आपातकाल को पढ़ा है आप लोगों ने, अभी जब हम इसके एमसीक्यू करेंगे ना तब आप लोगों को दिखेगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो कंसेप्चुअली क्लियरिटी के साथ पढ़ा है, रटा नहीं है, है ना? तो आप लोगों का एक दायित्व बनता है, कृपया करके उस दायित्व का निर्वहन कर देना। अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इवनिंग तक, 1 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पे, ललिता दही अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ से ना एक बार यदि साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। और 16 तारीख से तो हम हिस्ट्री स्पेक्ट्रम भी लेके आ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री इतनी शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, और कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी मैं लाती रहूंगी, ठीक है? तो समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक बार इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, आपको पता है ये 352, ये 356, ये 360, ये 1 महीने में अनुमोदन,
ये 2 महीने में अनुमोदन, ये 2 महीने में अनुमोदन, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं 3-4 बार बता चुकी हूँ पूरी क्लासेस में, मतलब अभी तक जो 3 क्लास ली है, ये विशेष बहुमत के द्वारा, ये साधारण बहुमत के द्वारा, ये साधारण बहुमत के द्वारा, ये हर 6 महीने के बाद अनुमोदन करना पड़ेगा इसका। अनंत समय तक के लिए कर सकते हैं, मतलब असीमित समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने के अंदर अनुमोदन करना पड़ेगा। इसका भी हर 6 महीने के अंदर अनुमोदन करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए। और इसको एक बार लगा दिया भूल जाओ, मतलब बार बार अनुमोदन करने की जरूरत नहीं है, और इसको भी असीमित समय के लिए लगा सकते हैं। ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसकी आलोचना की, तो फटाफट देख लेते हैं भाई आलोचना क्या होगी आपातकाल की। एक तो संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा। भाई आपातकालीन प्रावधान से क्या होता है, राज्यों के जो अधिकार है, मैक्सिमम जो राज्य सूची के विषय हैं, या बहुत सारी शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास आ जाती हैं, तो संघात्मक ढांचा जो है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाता है। यानी संघात्मक ढांचे के ऊपर नकारात्मक असर पड़ा, पहली आलोचना। दूसरा, राज्य की शक्तियां एकल व संघीय दोनों पूरी तरीके से, मतलब जो राज्य की शक्तियां हैं वो पूरी तरीके से केंद्रीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाती है। राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, मतलब ये आलोचकों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं कि भाई राष्ट्रपति तानाशाह भी तो बन सकता है, ये भी तो आलोचना हो सकती है। फिर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी, मतलब राज्यों के पास मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, पैसा आ ही नहीं रहा है, राज्य काम कैसे करेंगे। फिर मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, यानी कुछ आलोचकों के अनुसार फंडामेंटल राइट के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुझे ये बता दो भाई, बहुत अच्छे से समझ में आया, मतलब इससे बाहर आपका, यदि आप लोगों ने तीनों क्लासेस की हैं, तीन शिफ्ट में हुआ है, पार्ट वन, पार्ट टू, और आज एमसीक्यू वाला सेशन था, लेकिन कुछ बचा हुआ था तो मैंने करवा दिया है ना। इन 3 क्लासेस से बाहर कुछ भी आपातकाल से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने सारे डायमेंशन कवर किए हैं अपनी इन 3 क्लासेस के अंदर। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। मैं ना क्वेश्चन इसलिए हटा दिया, मेरी जबान में मेरी बात हुई कोई वैल्यू ही नहीं करते आप, है ना, अभी सीधा आंसर देने लग जाते। ये देख लो रूपम को, देख लो रूपम जो है सीधा आंसर भी, शेरल को देख लो, शौर्य क्या बात है, दिलकुश, दिव्या, नहीं दिव्या ने क्लियर बोला है, इसलिए मैंने क्या किया आंसर हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, टेंटन एंड और क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये बताओ फटाफट, किसी राज्य में, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, आईएएस का क्वेश्चन है, मैं ईयर लिखना भूल गई, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, यानी जब राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के तहत तो क्या होना जरूरी नहीं है। राज्यसभा का विघटन होना जरूरी नहीं है, मंत्री परिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन, आंसर बता दो फटाफट, क्या बात है। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग साथ साथ में करना है, बहुत ही बढ़िया। राखी, आकाश, इकबाल, करण, फातिमा, दिलकुश, इम्तियाज, दिव्या, बहुत ही बढ़िया, उमाशंकर, बहुत ही बढ़िया। याद रखना, हमको पता है भाई, जब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्य की मंत्री परिषद तुरंत हट जाएगी, यानी ये तो होगा ही होगा। अब ये बोल रहे क्या नहीं होगा, यदि मेरे को ये, और ये बताओ स्थानीय निकायों के विघटन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं, ये तो होगा ही होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला मैंने आपको बताया था विधानसभा का विघटन होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है, कंपल्सरी नहीं है राज्यसभा, राज्य विधानसभा का विघटन होगा। इंफॉर्मेशन के आधार पे भी हमको पता है कि आंसर होगा 1 और 3, यानी हमारे पास ज्ञान था तो भी हमको पता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के आधार पे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये तो हर हालत में होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, ये वही मंत्री परिषद है जो शासन को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला पाई, हटाओ इसको, यानी मंत्री परिषद तो तुरंत हटेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा,
ये सभी में दो भी आएगा तो दो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, इसका आंसर होगा बी। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सीडीएस का क्वेश्चन है भाई। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में है तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़ के सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, यानी कौन से फंडामेंटल राइट को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं, ये समझ लो आप। तो कौन से फंडामेंटल राइट छूटते हैं? 20, 21, 22, 19, 20, 15, 16। बहुत बढ़िया, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। फातिमा, सुमित, हंस, बहुत ही बढ़िया, विजय, मनीषा, याद रखना आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल चले जाएंगे, आर्टिकल 20 और 21 नहीं निलंबित होंगे किसी भी कंडीशन में, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। वेरी गुड। ये बताओ भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा, ध्यान से करना, इस उद्घोषणा के लिए संघ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को इस आशय के लिए लिखित संप्रेषण भेजा जाना आवश्यक होता है, यानी मंत्रिमंडल लिखित तौर पे बोलेगा राष्ट्रपति को, तब लगेगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा, इसे पूरे भारतवर्ष या इसके किसी भाग में लगाया जा सकता है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक महीने के अंदर अनुमोदित नहीं किए जाने पर यह समाप्त हो जाएगा, यानी एक महीने के अंदर अनुमोदित करना जरूरी है। 352 के लिए आवश्यक है कि इसके अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा जो उपस्थित और मतदान के 2/3 से कम ना हो, यानी विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, यानी ये बात हो रही है विशेष, यानी ये जो अनुमोदन होगा 352 का ये विशेष बहुमत के द्वारा होगा, और संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने पर 6 महीने तक लागू रह सकता है। वेरी गुड, पूरा 352 रिवाइज हो गया हमारा। अंजलि, सोनम, ISV, फातिमा, शेरल, सुमित, सिमरन, बहुत बढ़िया, परी, अजीत, क्या बात है, पूरा 352 रिवाइज हो गया, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमको पता है 352 लगने के लिए 3 आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, लिखित सूचना देनी होगी मंत्रिमंडल को। आपको ये भी पता रखना, याद होना चाहिए कि पूरे के पूरे संविधान में, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल शब्द का यूज जो हुआ है, जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वो केवल 352 में हुआ है। हर जगह आपको मंत्री परिषद दिखेगा, मंत्री परिषद जो आप 75 वगैरह पढ़ोगे ना, सब जगह मंत्री परिषद दिखेगा। केवल एक ऐसा आर्टिकल है, वो है 352, जहां पे मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ, यानी मंत्रिमंडल की लिखित सहमति चाहिए, एक महीने के अंदर अनुमोदन, विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन, और एक बार लगाने के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, फिर 6 महीने में अनुमोदन देना पड़ेगा, फिर 6 और अनंत काल यानी असीमित समय तक लगाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड। ये बताओ भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, मतलब 4 प्रकार, 3 प्रकार, आंसर बता दो फटाफट। आर्टिकल तक याद है आप लोगों को, कितने प्रकार के, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमको पता है 3 प्रकार के आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और 365, और वित्तीय आपातकाल यानी 360। ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को करवाया भी था, एक अनुच्छेद मैंने बोला था कि ये अनुच्छेद 2 से 3 बार पूछा हुआ है अलग अलग स्टेट पीसीएस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का ये दायित्व है, यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, कौन सा अनुच्छेद है? नहीं शौर्या, लिखने में या तो गलत हुई है। वेरी गुड राखी, मनीष, इम्तियाज, बहुत ही बढ़िया, विजय, गलत कर रहे हो, ध्यान रखना बच्चे, 352 और 355 में कंफ्यूज नहीं होना है। 355 दायित्व है क्या बच्चे? दायित्व नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कहा गया। 352 में तो ये कहा गया है कि भाई यदि ये कंडीशन आती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तो राष्ट्रपति राष्ट्र, ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है ना, की घोषणा कर सकता है।
आंसर होगा 355। मैंने कल की क्लास में बताया था इस अनुच्छेद को 2 से 3 बार पूछा है। 355 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तथा ये भी कर्तव्य है कि वो ये देखे कि जो राज्य है उनका जो एक तरीके से प्रशासन है वो संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं। ये दोनों दायित्व हैं केंद्र सरकार के। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, आईएएस 2003 में पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन, क्या है संघ का यानी केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक है, कहां पे 215, 275, 325, 355। यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया संतोष, नवीन, यूपीएससी, हंस, राकेश, बहुत ही बढ़िया, अजीत, ऋतिक, इकबाल, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा 355। तो 355 याद रखना, 2 बार पीसीएस में भी पूछा है और सीधा सीधा आईएएस में भी पूछा है, तो यहाँ से संभावना बनती है। अब जैसे ये बताओ, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, सांप्रदायिक संघर्ष, किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3 बताओ फटाफट। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमको पता है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक अशांति पहले होता था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सांप्रदायिक संघर्ष के आधार पर राष्ट्र आपातकाल का कोई प्रोविजन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आपको यह भी पता होना चाहिए कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल लगता है उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, है ना, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लगता है उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। जैसे इस ये सेम रिपीट हो गया। ये बताओ भाई, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी किस आधार पे आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती? युद्ध, आंतरिक अशांति को खतरा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। वेरी गुड इकबाल, और कोई 2-4 बच्चे और बता दो, आरती, फातिमा, अंजलि, शौर्या, विशाल, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं लगेगा, है ना, तो ये गलत है, बाकी हमको पता ही है। अब ये आपको 352 से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। जैसे अब आपको नहीं करना है, एक बार बस मैं दिखा दूं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे, युद्ध के आधार पे, ऊपर वर्णित। ये बताओ भाई आंसर बताओ इसका, ABCD। याद रखना हथियार बंद विद्रोह आधार मतलब क्या, हथियारों के साथ विद्रोह हो रहा है, यानी सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, शस्त्रों के साथ विद्रोह हो रहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हथियारबंद विद्रोह बोल दे, सशस्त्र विद्रोह बोल दे, बात बराबर है, आंसर हो जाएगा इसका डी। आपको पता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ये आपसे पूछने वाला क्वेश्चन है नहीं क्योंकि सबको पता है 352, 370, 371, 395 ऑप्शंस भी इतने फर्जी दिए हैं कि यहाँ पे तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के तहत। ये बताओ निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, सॉरी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं है, आपातकाल किन आधारों पर घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बता दो फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। राखी, वेरी गुड, और कोई, शौर्या, अंजलि, जय श्री राम, आरती, यहाँ पे कई बच्चे गलत क्यों कर रहे हो भाई? नहीं अब ठीक है, फिर भी कई बच्चे गलत कर रहे हैं, काहे? नवनीत, क्या हो गया बच्चे? एक बात बताओ, आंतरिक अशांति को काटो यार, सबसे पहले क्यों काटे आंतरिक अशांति को? क्योंकि वर्तमान में आंतरिक अशांति कोई आधार है ही नहीं आपातकाल लागू करने का, और यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपातकाल की बात हो रही है। आपातकाल तो तीनों है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, है ना, तो हमको पता है बाह्य आक्रमण के आधार पे 352,
राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर 356 और आर्थिक संकट की सिचुएशन में 360। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी कंडीशन में आंतरिक अशांति के आधार पर तो आपातकाल लगता ही नहीं है, और यहाँ पे ऑल ओवर आपातकाल की बात हो रही है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। जैसे अभी आपको नहीं करना है 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो आपको पता है ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ है नहीं तो फटाफट निकलो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब किसके कारण खतरा हो? युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के, सशस्त्र विद्रोह के, आंतरिक उपद्रव के। तो आप सबको अब तक पता लग गया होगा कि आंतरिक उपद्रव के आधार पे तो आपातकाल लगता ही नहीं है, है ना? पीके याद आ गई, पीके में बोलता है ना, मतलब बड़ी मस्त मूवी है ना पीके। एनीवे, कौन सा डायलॉग मैं बोल रही थी तो अचानक से ऐसा हुआ, मतलब मुझे पीके की याद आ गई। अच्छा, वो जेल में नहीं बैठे होते हैं जब? अरे वहां पे तो कोनो लैंग्वेज होता ही नहीं है, हम तो आंखों से बतियाते हैं। याद आया डायलॉग? तो अचानक से मुझे पी के याद आ गई। एनीवे, आंतरिक उपद्रव के कारण आपातकाल नहीं लगेगा क्योंकि 44वें संशोधन द्वारा हटा रखा है, है ना? तो हमको पता है आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, ये बताओ भाई फटाफट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। किस संविधान, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, राष्ट्रपति करेंगे आदेश के द्वारा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो 358 में और 359 में, कर दी गड़बड़। मैक्सिमम बच्चे सही है लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ करें। शेरल ध्यान से, और कोई बच्चा? शौर्य बिल्कुल ध्यान से, विजय वेरी गुड, अंजलि, राकेश, हंस, आरती, नीतू, तमन्ना, बहुत बढ़िया। यार एक बात बताओ, आप लोगों को जब मैंने 358 पढ़ाया और 359 पढ़ाया तो क्या कहा था? 358 के तहत आर्टिकल 19 क्या होगा? खुद चला जाएगा। जैसे ही 352 लगेगा वैसे ही 358 के तहत 19 अपने आप चला जाएगा, राष्ट्रपति के किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी। और जैसे ही 352 गया वैसे ही 19 वापस आ जाएगा। याद आया? ये बताओ मुझे फटाफट, याद आया क्या होगा? 358 के तहत 19 खुद जा रहा था, राष्ट्रपति नहीं स्थगित कर रहे थे, लेकिन 359 के तहत आर्टिकल 19, 20, 21 को छोड़ के बाकी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो अपने आप नहीं जाएंगे, या उनका निलंबन होना अपने आप निलंबित नहीं होंगे, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित होंगे। बहुत डीप क्वेश्चन था ये। ये और ये तो आप दो में तो आ सकते थे, लेकिन 358 और 359 के बीच में डिफरेंस कब? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 359। याद आया कि नहीं आया कि ऐसे ही बोल रही हूं मैं, बताओ फटाफट। बताया था बहुत अच्छे से, 358 और 359 के बीच में बेसिक डिफरेंसेस बताए थे मैंने, पर मतलब जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी आपातकाल में, है ना? समझ में आ गया, याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। 359 राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित होते हैं, और अधिकार स्थगित नहीं होते, अधिकारों का लागू होना स्थगित होता है ना? कि आप अधिकारों को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको रोक, मतलब आप जा ही नहीं सकते 359 को यदि राष्ट्रपति एक्टिव कर देंगे, है ना? ये बताओ, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? मौलिक, ये क्वेश्चन ही गलत है, गड़बड़ है। ये बताओ भाई, ये देखो आ गया, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू के दौरान निलंबित नहीं हो सकता, क्या निलंबित नहीं होगा? 20, 21, 14, 15, 16, 17, 24, 25। वेरी इजी क्वेश्चन, सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, सिंपल सा है, वेरी गुड, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, है ना? जैसे इसमें फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, तो 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी हो जाए 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। जीवन का अधिकार कैसे छीन सकते हो, या आप गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार कैसे छीन सकते हो, है ना? ये बताओ, प्राय किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? भाई बता दो फटाफट, मुख्यमंत्री की सलाह पे, लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह पे, गवर्नर की सलाह पे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे? फटाफट बता दो, राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पे
लागू किया जाता है सामान्यतः है। कौन बताएगा, क्या बात है, सबको पता। केरल, मतलब ये जबरदस्ती काहे गलत करते हो भाई, है। अब मुख्यमंत्री, एक बात बताओ, मुख्यमंत्री को पता है जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा वैसे ही मेरा पत्ता साफ, तो मुख्यमंत्री कहेगा क्या कि राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी मैं बड़ा ही निकम्मा मुख्यमंत्री हूं, मैं शासन को संवैधानिक तंत्र के अकॉर्डिंग चला नहीं पा रहा हूं यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और मैं जो है संविधान के अकॉर्डिंग शासन को चला नहीं पा रहा हूँ, हटाओ मेरे को, जल्दी हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। मतलब दिमाग लगाया करो यार, सीएम कभी कहेगा क्या बताओ फटाफट? सीएम खुद अपना पत्ता साफ करवाएगा, तो याद रखना सीएम के रिकमेंडेशन पे नहीं होएगा, पहले भी बताया गवर्नर। तो लॉजिकल सोचा करो हर चीज को, है ना, और आप लोगों को लॉजिकल सोचना सिखा रही हूं मैं, मतलब रटना नहीं है यार। यूपीएससी का सिलेबस विश्व मतलब एक बड़ा समुंदर है, आपको कंसेप्चुअल यदि क्लियरिटी है तो फिर आप कभी डरोगे नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में रहोगे। तो याद रखना, ऐसा ब्लंडर मत कर देना। किस राज्य में राज्यपाल कोई जरूरत नहीं है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, आपको पता है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 370, 368, 356, 352, सबको पता है, बताइए फटाफट। याद रखना 356, है ना, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये बताओ भाई, देखो आईएएस 2017 का, ये मैं करवा चुकी हूं, हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, मैं बोल रही थी ना वो आईएएस का क्वेश्चन है, मैं ईयर लिखना भूल गई। देखो आईएएस 2017 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं, आपको पता भी है कौन सा परिणाम आवश्यक नहीं है, तो आपको पता है राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन आवश्यक नहीं है, मंत्री परिषद तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ध्यान से देखिए ये वही मंत्री परिषद है जो शासन को संभाल नहीं पाई, यानी संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चला पाई, है ना। तो आंसर मैं करवा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। ये बताओ, देखो ये 2017 में पूछा यहां से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2017 में आईएएस में पूछा, 2018 में ऑलमोस्ट लगभग सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा आईएएस 2018 में, आंसर बताओ फटाफट। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करते हैं तो, यानी यदि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आया क्यों कंसेप्चुअल है? विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी क्या? इतनी देर से समझा रही हूं, 356 में पूरा मेरा 356 ऐसे ही निकल गया, ध्यान से देख लो भाई, यही कंफ्यूज, बाकी कंफ्यूज नहीं होगे। 356 को किसके रिकमेंडेशन के आधार पर लगाया जाता है, सबको पता है गवर्नर के आधार पर लगाया जाता है, लेकिन जो असली कंफ्यूज, मंत्री परिषद हटेगी कि नहीं, तो सबको पता है निकम्मी मंत्री परिषद थी, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार शासन चला नहीं पाई तो हटेगी, है ना, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। विधानसभा भंग होगी कि नहीं, तो स्वतः नहीं होगी, अब वो कंपल्शन भी नहीं होता है कि होगी कि नहीं होगी, है ना। तो पहला गलत, तीसरा फंडामेंटल राइट का के ऊपर 352 में फर्क पड़ेगा, बस कंसेप्ट क्लियर रखो, ना तो 356 में कोई रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा, ना ही 360 में फर्क पड़ेगा, केवल 352 की कंडीशन में फर्क पड़ेगा, और वो 358 और 359 में डिटेल से बता चुकी हूँ, ये गलत है। अगला सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा, राज्य की विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, राष्ट्रपति सीधे सीधे नहीं बनाएगा विधियां, ध्यान रख लेना, संसद प्राधिकृत करेगी। एक बार आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ वो पॉइंट जहां पे मैं बोल रही थी, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, ये देखो ये वाला, ज्यादा ही पीछे काहे जा रहे हो भाई, कहां गया ये रहा, ये देखो
ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, इस स्थिति में संसद राज्य की विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है। यानी संसद देगी, प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है, वितरित करना, भाई देना कि आप कानून बना दो इस पे। यानी शक्तियां किसके पास आएंगी, संसद के पास, और संसद राष्ट्रपति को या अन्य किसी पदाधिकारी को फिर वो शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है। यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, ध्यान दो, समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये बता दो भाई, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी 356 का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। देख रहे हो एक कंसेप्ट से कितनी बार क्वेश्चन बन रहे हैं, और फिर भी यदि गलत करके आओगे एग्जाम हॉल में तो फिर कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी और हमारी प्रिपरेशन में कमी है ना। और इस उद्घोषणा का 2 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए। सिर्फ एलिमिनेट कर दोगे ना, आंसर निकल जाएगा। सिर्फ एलिमिनेट कर दोगे तो वेरी गुड। सिमरन, विजय, केरल, रामजपाल, दिव्या, वसीम, शौर्य, बहुत ही बढ़िया, प्रीति, विशाल, तमन्ना, वेरी गुड। हमें एलिमिनेट करना है भाई, इस 3 को एलिमिनेट, उड़ाओ यहां से। बोल रहे जैसे ही उद्घोषणा होगी ना, विधानसभा भंग हो जाएगी। विधानसभा नहीं भंग होगी, विधानसभा होगी कि नहीं होगी ये विवेक पे निर्भर करता है। और वैसे भी यदि होगी भी ना तो तुरंत नहीं होगी, ऐसा आर बम्बई वाद याद रखना है कि कम से कम 2 महीने का अनुमोदन समय है। तो भाई अनुमोदन के बाद होगी, यदि होगी भी तो तुरंत नहीं होगी। तो जैसे ही 3 गया तो 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आंसर क्या हो जाएगा। और याद रखना, इस बार जो आप 2022 का पीटी दिए पॉलिटी के क्वेश्चंस को, एक तो एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, मल्टीपल टाइम डिस्कस किए थे क्लास में, और वो मैंने नहीं डिस्कस किए थे। अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन को बार बार डिस्कस करवाना, उससे सारे डायमेंशन, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात, इस बार एलिमिनेशन मेथड जबरदस्त काम कर रहा था। हर बार नहीं करता एलिमिनेशन मेथड काम, लेकिन यदि जिस बच्चे ने इस बार सिंसियरली पढ़ाई की होगी और एग्जाम दिया होगा, एलिमिनेशन मेथड इस बार बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, यदि थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं तो। तो इस मेथड को हमेशा आप फॉलो करना अपने एमसीक्यू सॉल्व करते समय, है ना। इसे बोलते हैं स्मार्ट, एक तरीके से हम चूज करें स्मार्ट तरीके से, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। जैसे संकट काल, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। ध्यान रखना, जब ये संकट काल आ जाए ना तो इसका मतलब लेना, यूजुअल ये बात कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी 352 की बात कर रहा है। तो बता दो संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कितनी अवधि में होना चाहिए, बताओ फटाफट। ए को एक्सप्लेन अभी कर रही हूं अंजलि, देख लिया मैंने आपका क्वेश्चन। ध्यान रखना 1 महीने के अंदर, आपको पता है ना 1+2+2, यानी ये 1 महीने के अंदर 356, 2, 360, ये 3 का ही हो गया भाई 2। ये बोल रहे हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। मतलब ये लैंग्वेज में नहीं जाना है अंजलि, ये बोल रहे हैं संविधान 356, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो 356 लगेगा ना, लैंग्वेज में नहीं जाना है, है ना, कि एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है कि क्या है। मतलब संवैधानिक तंत्र विफल जैसे ही होगा वैसे ही 356 लगेगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है ए। समझ में आया अंजलि, बहुत ज्यादा लैंग्वेज में नहीं जाना है हमको, ये देखना है भाई 356 यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, ध्यान रखो आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो आपातकाल जहां पे कुछ बात ही नहीं है तो वहां पे हम हमेशा समझेंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो हमको पता है कितने महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर। ये बता दो भाई फटाफट कितने क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन है अभी, कोई बात नहीं जल्दी जल्दी करते हैं ये क्वेश्चन, इससे आपका ना पूरा 352 रिवाइज हो जाएगा। बताओ फटाफट, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के बारे में क्या सही है। पहला, यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। 2 महीने के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 2 महीने के भीतर मिलनी चाहिए। 1 महीने के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, साथ साथ एलिमिनेट करते रहना। संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए, संसद के 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए।
संसद की साधारण बहुमत से वापस लिया जाना चाहिए, संसद के दो तिहाई बहुमत से वापस लिया जाना चाहिए, इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बता दो, फटाफट बता दो आंसर इसका हो जाएगा ये, ठीक है ये ठीक है, ये ठीक है और ठीक है। वेरी गुड भाई आकाश, वसीम, रिचा, नवनीत गलत हो गया बच्चे, करण बहुत बढ़िया, राणा 1 3 5 6 बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब सी ही लिख देते भाई साहब है, थोड़ा मेरे लिए इजी होता, कोई बात नहीं, वेरी गुड। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा सी, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही रहेगा, 2 महीने के भीतर तो गलत, हमको पता है 1 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। दूसरी बात साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन तो नहीं, ना जी विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, हमको पता है जब लागू होता है तो विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापसी बिल्कुल सही बात है, जब वापस लिया जाएगा ना तो संसद के साधारण बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, आगे आपको पता है ये दोनों गलत होंगे। आंसर क्या हो जाएगा 352 पूरा रिवाइज हो गया है ना, आंसर सी हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है किसने क्या कहा था। ये बताओ भाई 360, देखो आईएएस 2007 में क्वेश्चन बना है यहां से, 360 जो मैं बोल रही थी ना इसके प्रभाव से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार आईएएस में। ये बताओ वित्तीय आपातकाल से संबंधित, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, यानी यदि 2 महीने के अंदर अनुमोदन नहीं होता है 360 का तो फिर क्या होगा, 360 खत्म। अगला बोल रहा है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, उनके वेतन में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम है। आंसर बता दो फटाफट, क्या सही है, ये बी वाले कौन है, राखी ध्यान से पढ़ो बच्चे, वेरी गुड फातिमा, आरती, प्रेरणा, रामजपाल, शौर्य, वेरी गुड, आंसर होगा इसका केवल एक सही है, बिल्कुल सही बात है यार। वित्तीय आपातकाल कितने महीने, आपको फॉर्मूला नहीं याद है क्या, 1+2+2, यानी वित्तीय आपातकाल को 2 महीने के अंदर संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है, और यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो फिर वित्तीय आपातकाल खत्म हो जाएगा, यानी ए सही है। 2 क्यों गलत है, 2 इसलिए गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भी कटेंगे, दूसरे अधिकारियों के ही नहीं, यानी राज्य और केंद्र के अधिकारियों के वेतन भत्ते तो कटौती हो ही सकती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है राणा निखिल, उसके बाद अनिश्चित काल तक है ना, यदि एक बार अनुमोदन हो गया ना तो फिर लगा रहेगा ये जब तक कि राष्ट्रपति से वापस नहीं ले लेते, सिंपल सा फंडा है, बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, 360 में बता चुकी हूँ। आंसर समझ में आया, आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, 2 इसलिए गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कटे। अभी तक किसको यूज नहीं किया गया है, मतलब कौन से अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, 60 का, 352, 356, 360, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता दो, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सब बच्चों को पता है कि 360 यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है ना, जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है, तो कितनी बार की गई है, कभी भी नहीं की गई है, अभी तक 360 के तहत वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। निम्नलिखित में से, अब ये आंतरिक अशांति को गंभीर खतरा है, ये देख लेना भाई कौन सी तारीख को, ये पीसीएस वीसीएस में पूछता है कितनी तारीख को ये किया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताओ फटाफट, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन 1 समय में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोशन, प्रेरणा, वेरी गुड, जय श्री राम, अंजलि, एस बी गलत हो गया बच्चे, राखी बहुत बढ़िया, नवनीत, रिचा बहुत बढ़िया, गौरी शंकर, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा डी, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो ये नहीं है कि भाई बढ़ा दो लोकसभा की अवधि 5 साल के लिए, ना बढ़ सकती है लेकिन जैसे हर 6 महीने के बाद रिन्यू करना होता है किसका,
आपातकाल का, ऐसे ही हर एक साल में बढ़ाई जाएगी। मतलब एक बार में नहीं बढ़ा देंगे, बल्कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में एक वर्ष तक के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। फिर एक वर्ष बाद अनुमोदन करना होगा, फिर एक वर्ष बाद बढ़ानी होगी। इस तरीके से बढ़ाई जाएगी, एक ही बार नहीं बढ़ाई जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये बताओ, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? एक वर्ष तक, दो वर्ष तक, छह महीने तक, तीन वर्ष तक, फटाफट बता दो। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? किसी को कोई डाउट? कितने हाजिर जवाब है। ऋतिक कह रहे हैं मैम सब भेड़ चाल चल रहे हैं, तो सुरुचि कह रही है भाई आप ऊंट चाल चल लो, हैं आप भेड़ चाल मत चलो, मतलब चले जाओ आप फिल्मों में, मतलब कॉमेडी वोमेडी में चले जाओ, बढ़िया जमोगे, है ना। काहे एनर्जी वेस्ट, मतलब इतना हाजिर जवाब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, गजब है यार। ये टैलेंट होता है, ये हर किसी में नहीं होता है ना। आप ऊंट चाल चल लो, है ना। अब किसने बोला था ये? ऋतिक। अब ऋतिक का मुंह बंद हो गया बेचारा, है ना। कोई बात नहीं। लड़ते रहो आपस में। तीन वर्ष ध्यान रखना, अधिकतम तीन वर्ष लगेगा राष्ट्रपति शासन। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष के बाद भी दो कंडीशन के होने पे ही लगेगा। एक तो निर्वाचन करवाना संभव हो, निर्वाचन आयोग कहते, और एक 352 लगा हो, है ना। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? ये मैंने कल भी बताया था कि कभी पीसीएस वगैरह में पूछ ले आपसे, तो आपको पता होना चाहिए 356 सबसे पहली बार कहां लगा। यूपी, ट्रावणकोर, पेप्सू, बिहार, बता दो फटाफट। कल की क्लास यदि आपकी, बताओ फटाफट, याद है पंजाब की बात की थी, तो पेप्सू पंजाब। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, ये मैं अभी अभी करके हटे हैं, है ना, अभी जस्ट करके हटे हैं। आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अनंत काल तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाई जाएगी। 356 पेप्सू आपको बता चुकी हूँ। राज्य, हाँ ये बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा, बता दो फटाफट। आपातकाल का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा की अवधि कौन बढ़ाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान रखना, संसद बढ़ाएगी। विधानमंडल मत कराना कि हमारी अवधि हम बढ़ाएंगे, है ना, ध्यान रखना संसद बढ़ाती है। इस तरीके से आपातकाल का पूरा टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को समझाया है मैंने, चाहे 352 के प्रभाव, 358, 359, 356, मतलब राष्ट्रपति शासन पूरा, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के क्या क्या प्रभाव होंगे, इसके अलावा 360 और साथ ही MCQ। तो मेरे हिसाब से आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी सारी चीजें। ये आपको ना PDF अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर में ही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, ललिता दहिया अकेडमी। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आप, टेलीग्राम पे ललिता दहिया अकेडमी ज्वाइन कर लो, सारे PDF क्लास की इन्फॉर्मेशन, कब कहाँ क्या क्लास होती है। स्पेक्ट्रम शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पे, तो खुश हो जाओ, हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़, समझ समझ के पढ़ेंगे, है ना। और याद रखना, फटाफट इंस्टॉल कर लो ललिता दहिया अकेडमी ऐप को, इंस्टॉल करके अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन में साइन अप कर लो। दो बैच चल रहे हैं, पॉलिटी का बैच चल रहा है विद करंट अफेयर्स विद आंसर राइटिंग, एंड IR का बैच चल रहा है विद करंट अफेयर्स एंड विद आंसर राइटिंग, मात्र 1625 रुपए में। पॉलिटी वाला 2100 रुपए में, फटाफट ज्वाइन कर लो, बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है आप लोगों को। रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं, और लाइव क्लासेस भी देख सकते हो। इसके साथ ही इतिहास वैकल्पिक विषय यदि आपका है, और आप इतिहास वैकल्पिक विषय को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझ समझ के पढ़ना चाहते हो, कम से कम ये बैच हमारा 6 से 7 महीने चलेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, 6 से 7 महीने मिनिमम चलेगा ये बैच, ठीक है। मात्र 8000 रुपए इसकी फीस है, ध्यान रखना। जिसको भी इतिहास वैकल्पिक विषय मुझसे पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, यदि आपको समझ में आ रही है चीजें, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्या बोल रहे हो रामजपाल? मैं अनुच्छेद 352 के द्वारा बनाए गए कानून राज्य सूची पर 6 महीने तक लागू रहेगा, 356 में जब तक चलता रहेगा, जब तक विधानसभा नहीं प्रस्ताव पारित। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही समझे, ठीक है। क्या बोल रहे हो?
अच्छा बुझे, बुझे बिहार में बोलते हैं, बुझे कि नहीं बुझे, बुझ गए ना, है ना। सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।